अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो यार, हमारी जो पिछली वीडियो थी वो थी अकाउंटिंग ऑफ ओ लेवल के ऊपर, और हमने उसके पहले बिल्कुल द बेसिक अकाउंटिंग के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हमारा फोकस होगा पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफ ओ लेवल्स, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल निशियल सब्जेक्ट्स में से होता है और पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट अपीयर होते हैं उनमें तकरीबन 99% ये पेपर ज़रूर देते हैं। तो पाकिस्तान स्टडीज़ ऑफ ओ लेवल्स के अंदर हमारा आज का फोकस है पहला कॉम्पोनेंट, जिसको कॉम्पोनेंट वन पेपर वन द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जिसका फोकस पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर होता है। अभी हम लोग सब्जेक्ट डिटेल में नहीं जाएंगे, ना हम लोग ये बात करेंगे कि हमारे उसमें हमने पर हर सब चैप्टर में या हर कॉम्पोनेंट में सॉरी हर सेक्शन में क्या पढ़ना है। आज हमारा फोकस रहेगा, हमने सिर्फ इस पर बात करनी है कि पेपर की डिवीजन किस तरह है और इस सब्जेक्ट को हमने पेपर वाइज टैकल कैसे करना है। अगर हमें पहले स्ट्रेटजी पता होगी कि हमने उसको टैकल कैसे करना है, तो हमारे लिए पेपर पे अच्छा परफॉर्म करना ईजी हो जाएगा। अगर यही हमें पता ही नहीं होगा कि हमने किस तरह उसको टैकल करना है, तो हम एक्स्ट्रा पढ़ते रहेंगे, एक्स्ट्रा बात करते रहेंगे, हमें मेन मकसद समझ नहीं आएगा। तो हमारा आज का फोकस है कि हम ये देखेंगे हमने सिलेबस को पेपर के कंपेरिजन में टैकल किस तरह करना है। सो जो हमारा पेपर की हमने पहले बात कर ली है पेपर की डिवीजन के ऊपर, हमें पता हो कि हम किस टाइप के पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल जनरली हमारे पेपर में 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है और बाकी 4 क्वेश्चंस जो है उसमें हमारे पास चॉइस होती है, हमने 4 में से कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, इसमें हमने इस चीज़ को याद रखना है कि पहला जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो बुक के किस सेक्शन में से आएगा या सिलेबस के किस चैप्टर में से आएगा, ये हमें नहीं पता होता। और बाकी जो 4 हैं उसमें हमें इतना ज़रूर पता होता है कि हमारी ये सिलेबस की डिवीजन इस तरह हुई हुई है कि हमारे 3 सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 1 जो है उसमें हमारा बेसिकली प्री हिस्ट्री आती है। प्री हिस्ट्री से मेरा मुराद ये है कि पाकिस्तान बनने का जो मेन सफ़र शुरू होता है उससे पहले की बातें। जो सेकंड हमारा सेक्शन है हिस्ट्री का, वो फोकस करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टार्ट से लेके और पाकिस्तान पूरी पाकिस्तान मूवमेंट तक, पाकिस्तान बनने तक, और जब पाकिस्तान बन गया उसको हमारे पाकिस्तान के जो मेन लीडर्स थे उनके ऊपर। और जो 3rd सेक्शन है वो पाकिस्तान बनने के बाद से लेके 1999 इस वक्त जो है 1999 तक की स्टोरी है। तो आपने उसमें ज़हन में रखना है कि इन 3 सेक्शंस में से हमें ये नहीं पता होता कि पहला क्वेश्चन किस सेक्शन में से आएगा। अगर हमें रफ एस्टीमेट निकालें जो अब तक पास्ट पेपर जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तो उसमें कोई हमें इस तरह टेंडेंसी नज़र नहीं आएगी। एक रफ डिवीजन है, कभी कहीं से आ जाता है क्वेश्चन, कभी कहीं से आ जाता है, तो हम इसमें सिलेक्टिव स्टडी की तरफ नहीं जा सकते। जो हमारे बाकी 3 जो 4 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से हमें 2 करने हैं, हमें उसमें यह ज़रूर पता होता है कि यार हर सेक्शन में से 1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन वो जो आखिरी 1 क्वेश्चन है, जो 5th क्वेश्चन है, या उनकी सेटिंग जिस तरह भी चेंज हो इन अ सेंस, वो किस सेक्शन में से आएगा ये हमें नहीं पता होता। तो अब हमने पहला क्वेश्चन कंपलसरी करना है, हमें नहीं पता किस सेक्शन से आ रहा है। बाकी हमें 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, हमें ये पता है कि हर सेक्शन से 1-1 क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लेकिन जो हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लगेंगे क्या वो हमारे ही पढ़े हुए सेक्शन में से आता है या नहीं, ये हमें नहीं पता। सो टेक्निकली अगर इस पॉइंट तक देखें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज़ हिस्ट्री के पेपर में या कॉम्पोनेंट 1 के अंदर कोई चॉइस नहीं होती। अब हम इस चीज़ को आगे ब्रेक डाउन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये बात सच है और किस तरह हम इसमें साइड वेज निकाल सकते हैं पेपर को बेटर अटेम्प्ट करने के। सबसे पहली बात यह कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी हम लोग पहले डिवीजन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की डिवीजन इस तरह होगी कि उसमें 4 पार्ट्स होंगे। जो पहले 2 पार्ट होते हैं वो कम मार्क्स के होते हैं। उन 2 पार्ट्स का मकसद जो है, आपने ये याद रखना है कि वो 2 पार्ट्स कभी भी आपके नॉलेज पे बेस नहीं होते। आम तौर पर स्टूडेंट्स उससे डरते इसलिए कि यार उसमें सोर्सेज दी होती हैं। आपको इस चीज़ को हमेशा अपने पॉजिटिव में यूज़ करना है कि अगर आपको सोर्सेज दी हुई हैं, इसका मतलब यह है कि वो आपके एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करवा रहा है, वो आपकी थॉट यूज़ करवा रहा है, वो आपका नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहा। तो जो पहले क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट्स होंगे, दे आर बेस्ड ऑन द सोर्सेज गिवन। वो आपसे सोर्सेज से मुतल्लिक सवाल करेंगे। आपने फ़र्ज़ करो हिस्ट्री का कुछ नहीं पढ़ा हुआ पहले, वो सवाल आपने अपने एनालिटिकल स्किल से, अपनी सोच से, और जो आपको सोर्सेज दी हुई हैं उनको इंटरप्रेट किस तरह करना है, इस चीज़ पे फोकस करके सॉल्व करने। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है, जो आपको सोर्सेज दी हुई हैं, आप अपना सिर्फ नॉलेज अप्लाई कर देते हो, आपका उनमें 1 नंबर भी नहीं आएगा। अगर आपकी इंटरप्रिटेशन ठीक है, आपका नॉलेज उतना स्ट्रांग नहीं था, तब भी आपके उन पहले क्वेश्चन के पहले दो पार्ट्स में मार्क्स आ जाएंगे। अब आ जाता है पहले क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स। पहले क्वेश्चन का जो 3rd पार्ट होता है, दैट इज़ मोर लाइक अ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन। उसमें आपको कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा होगा, उसके आपने 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं, 2 से 3 पॉइंट रिकमेंडेड होते हैं, 1/4 आप ज़रूर लिख दो। उसमें ये होता है कि अगर आपका कोई पॉइंट गलत हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन आपका वो अगला पॉइंट जो है कॉम्पनसेट कर देता है। बहुत बड़ा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका आप मैक्सिमम आंसर 1 पेज का लिख दो, क्योंकि जो आपकी एग्जाम की लूज शीट्स होती हैं, जो सॉरी एग्जाम में आपको आंसर शीट्स मिलती हैं, वो लूज शीट साइज़ की नहीं होती, वो आपकी होती हैं A4 पेज साइज़ की, नॉर्मली A4 या थोड़ा सा उससे बड़ी साइज़ की।
तो आपके लिए इतना बड़ा उसका आंसर लिखना जरूरी नहीं होता, आप उसमें वन पेज उस शीट का लिख दो, दैट इज मोर देन अनफ। और जो आखिरी क्वेश्चन है इस सेक्शन का, इस सेक्शन में 10 मार्क्स का है, लेकिन उसकी अटेम्प्ट तकरीबन उस तरह होनी है जिस तरह हमारे वॉलंटरी क्वेश्चंस के 14 मार्क्स के क्वेश्चन की होगी। तो पहले हम उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे क्वेश्चन की आगे टाइप्स किस तरह डिवाइड होती जाती हैं, फिर हम सिलेबस डिवीजन पे आते हैं। देखो यार, जितने भी आपके वॉलंटरी क्वेश्चन है ना, जिनमें से आपने सिलेक्शन करनी है, उन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमेशा 4 मार्क्स का होता है। अच्छा, इसके मार्केट में ना बहुत सारे आपको मेथड्स मिलेंगे जो मुख्तलिफ टीचर्स ने पुट फॉरवर्ड किए हैं, मुख्तलिफ टीचर्स ने उसको इतने अरसे में उनको बनाया है कि यार इस तरह अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन बेटर अटैम्प्ट हो जाएगा। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जिसमें ना तो हमने किसी टीचर को फॉलो किया ना कुछ और, लेकिन मेरी उसमें डिस्टिंक्शन ज़रूर आ गई थी। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके 2 फोकस होने चाहिए। पहला फोकस ये है कि आपने 4 पॉइंट तो ज़रूर लिखने। अच्छा, ये आपने याद रखना है कि अगर उसने आपको ऊपर कोई छोटी सी कोटेशन दी हुई है तो आपने वो पॉइंट रिपीट नहीं करने जो ऊपर दिए हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो वो आपको पूछता है कि यार वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन दे देता है, और वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर जो कोटेशन देता है उसमें लिख देता है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हैपेंड इन 1857। अब आपने जो अपना आंसर है, अगर आप उसमें ये लिखते हो तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी। आपने इसके अलावा 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। अच्छा, 4 पॉइंट्स डिस्टिंक्ट लिख दो, 3 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट ऐसा हो जो एलेबरेटेड पॉइंट हो वो लिख दो। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आप अपने पॉइंट्स को थोड़ा सा एलेबरेट करें, कम से कम 4 से 5 पॉइंट जरूर लिखें, लेकिन आपका जो लेंथ है वो 6 लाइन से 7 लाइन्स की हो। अच्छा, उसमें ये कैम्ब्रिज की तरफ से कोई बताई हुई लेंथ नहीं होती कि आप 6 लाइन से ऊपर लिखोगे तो मार्क्स काट लेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस पर इशू ये है कि आपके पास पेपर में टाइम होता है लिमिटेड, बहुत महदूद टाइम है, 1.5 घंटे में आपने पूरा पेपर करना है, इसमें आपने सोचना भी है, आंसर डिवाइस भी करने हैं, लिखने भी हैं। तो मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि यार 6 से 7 लाइन्स इज मोर देन अनफ। उससे ज़्यादा लिखोगे ना तो कोई आप एक्स्ट्रा जो लिखोगे उसके आपको 5वां नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स अपना जो लिखने का स्टाइल है उसको इस तरह सेट करते हो कि 4 से 6 लाइनों में आप लिख लेते हो आंसर को, तो आपका टाइम आगे बेटर मैनेज हो जाएगा। अभी शायद मुश्किल हो, अभी आपको लगे एक्स्ट्रा लिखना है, लेकिन पेपर में फ़ायदा होगा। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 से 6 लाइन्स, 4 से 5 पॉइंट्स, मोर देन अनफ, मूव ऑन। अच्छा, सेकंड जो आपका हमेशा क्वेश्चन आएगा उनके अंदर वॉलंटरी क्वेश्चंस के अंदर, वो आएगा आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन। 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में जो मार्केट में मिथ मशहूर है ना, जो आपको हर टीचर बेचता है मिथ, एक होता है पढ़ाना, एक होता है मिथ बेचते हैं, वो मिथ ये जो आपको ना फीड की जाती है कि यार आपने यही करना है, वो है कि आपने 3 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन करना है। रीज़न ये है, कुछ एग्जामिनर रिपोर्ट्स में उसको सपोर्ट किया गया है। देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि ह्यूमन परफेक्ट नहीं है, नो ह्यूमन इज़ परफेक्ट। हो सकता है आपका एक पॉइंट जो आप लिख रहे हो, जिसको आप एलेबोरेट कर रहे हो 3 में से, वो ऐसा पॉइंट ना हो जो एग्जामिनर को चाहिए, या वो ऐसा पॉइंट ना हो जो रेलिवेंट हो, आपको लग रहा हो कि रेलिवेंट है। तो इस सिचुएशन में मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन में अपने जहन में रखो कि आपने 1.5 पेज या 1 पेज लिखना है। 1 पेज इज़ अ वेरी टाइट वो है, अगर आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 1 पेज इज़ मोर देन अनफ। लेकिन अगर आप वो क्वेश्चन में थोड़ा सा ऊपर नीचे का चांस है तो 1.5 पेज इज़ वॉट यू हैव टू फोकस ऑन, और उस पर आपका फोकस ये रहना चाहिए कि 1.5 पेज के अंदर आपने एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट्स लिखने। इतने पॉइंट ज़रूर होते हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के, ऐसा कोई 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं मिलेगा इसके इतने पॉइंट्स ना हो, ठीक है। और आपने उनमें से कम 3 पॉइंट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देना है, यानी उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जांपल्स हैं या उनसे रिलेटेड बातें हैं वो लिख देनी है। आप अगर ये लिख देते हो 7 मार्क्स के क्वेश्चन में, कोई प्रॉपर स्टार्टिंग देने की, कोई प्रॉपर एंडिंग देने की जरूरत नहीं होती, आपने बस इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपके स्टार्टिंग या एंडिंग पर नंबर नहीं काटेगा। मैं आपको इसलिए बता सकता हूँ कि अगर वो काटते होते तो मेरी डिस्टिंक्शन ना आती, क्योंकि मैं कभी भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई प्रॉपर स्टार्टिंग या प्रॉपर एंडिंग देता। मैं सिर्फ जो उसने क्वेश्चन पूछा, अगर वो रीजन पूछ रहा है, रीजन शुरू करता हूँ, रीजन एंड करता हूँ, वहाँ मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, एंड दैट इज़ मोर देन अनफ। फिर वही बात है कि हमारे पास टाइम कम है। अगर आपने 4 से 5 पॉइंट्स रेलिवेंट में से लिख दिए हैं, 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज़ वेल मोर देन गुड इनफ। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बजाय आपने ज़्यादा पॉइंट्स डालने हैं उसके अंदर। आपको अगर 7 पॉइंट्स पता हैं 7 मार्क्स के क्वेश्चन के, टाइम कम रह गया है, तो आप पहले वो 7 पॉइंट्स जरूर लिख दो, पॉइंट फॉर्म में नहीं, पैराग्राफ फॉर्म में, लेकिन 7 पॉइंट्स डालो, उनको एक्सप्लेन करने को बाद में छोड़ दो, टाइम बच जाए एक्सप्लेन कर देना, नहीं तो पॉइंट्स जरूर डाल दो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन का एज सच ने कहीं नहीं कहा होता कि आपने एक्सप्लेन करने हैं पॉइंट्स। अब आ जाता है वो क्वेश्चन जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, उसमें मार्क्स ज़्यादा हैं, और उसमें टेक्निक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन। देखिए, 14 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने एक चीज़ को याद रखना है
बेसिकली वो आपसे एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखवा रहे हैं। मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश ऑफ ओ लेवल्स के लिए, उसमें हम लोग डायरेक्टेड राइटिंग में और सॉरी नैरेटिव राइटिंग में हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम आर्गुमेंटेटिव राइटिंग पे आएंगे कि इसको कैसे लिखना है। फॉर द टाइम बिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने उस पर एक बहस करनी है, एक डिबेट करनी है, एक मुबाहिसा रखना होता है। तरीका क्या है, आपको वो हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक चीज़ जरूर बताएगा उस क्वेश्चन से रिलेवेंट। पहले आपने एक प्रॉपर स्टार्टिंग देनी है। प्रॉपर स्टार्टिंग मतलब ये नहीं है कि आपने दो पैराग्राफ लिखने, तीन से चार लाइनें। मैं हमेशा दो लाइनों की स्टार्टिंग लिखता था, क्या लिखता था वो बता देता हूँ। उसके बाद आपने लिखना है एक जो आपको पॉइंट दिया हुआ है, पहले आपने उसको एक्सप्लेन करना है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तकरीबन तीन से चार पाँच मार्क्स उस पॉइंट के होते हैं। फिर आपने दूसरी साइड पर बाकी सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो भी उस क्वेश्चन से रेलिवेंट है, इरेलीवेंट नहीं सिर्फ रेलिवेंट वाले, उनको एक्सप्लेन करना है। एंड में आपने प्रॉपर एंडिंग देनी है। फिर वही बात है, प्रॉपर एंडिंग जरूरी नहीं कि आपने 10 लाइनें छापनी है। मैं हमेशा मेरी प्रॉपर एंडिंग एक लाइन की होती थी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन म्यूटनी सॉरी द लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन द इंडियंस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इंडियन डिफीट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डू यू एग्री एक्सप्लेन योर आंसर। ये जो डू यू एग्री एक्सप्लेन योर आंसर है, ये हर क्वेश्चन 14 वाले के साथ आमतौर पर लगा होता है। पहले पार्ट पर फोकस करते हैं। यहाँ उसने हमें जो पॉइंट बताया है वो है लैक ऑफ यूनिटी। मैं स्टार्टिंग देता तो मैं इसका देता, लैक ऑफ यूनिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स फॉर द इंडियन डिफीट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ एवर देवर मैनी अदर रीजन्स एज वेल। सिर्फ दो लाइनें लेकिन प्रॉपर स्टार्ट। फ़ायदा क्या है, आपकी बात कन्वे हो गई, आप दोनों साइड पर लिख रहे हो, ये कन्वे हो गया, आपका टाइम बच गया क्योंकि आपने सिर्फ कुल मिला के 30 मेरा ख्याल लफ्ज़ लिखे और आपने दो लाइनें लिखी हैं। टाइम बचता है, बात कन्वे होती है, आगे आप जाकर प्रोग्रेस कर सकते हो। उसके बाद मैं पहले इंडियन यूनिटी वाली बात को एक्सप्लेन करता हूँ। यूनिटी में ये आ जाता है कि बहुत सारे जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे उस वॉर के अंदर। उसमें ये आ जाता है कि जो लीडरशिप है वो यूनाइटेड नहीं थी, हर तमाम लीडर्स बिखरे हुए थे। उसमें ये आ जाता है कि बहादुर शाह एक स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था, वो यूनिफाई कर नहीं पाया उनको। उसमें ये आ जाता है कि कुछ लोग जो इंडियन जो ऐसे इंडियंस थे जो ब्रिटिश रूल के साथ सेटिस्फाइड थे, उनने हेल्प ही नहीं की, उनकी यूनिटी कहाँ की होगी। उसमें ये आ जाता है कि ब्रिटिश ने डिफरेंट एरियाज़ के जो सीपॉयज थे वो इंप्लॉय किए हुए थे डिफरेंट एरियाज़ में, तो अगर पंजाब में बंगाल के वो आए हुए सीपॉयज हुए हैं तो अगर वो रिम्यूटी नहीं कर रहे हैं तो पंजाबी उनको क्यों सपोर्ट करेंगे। इस तरह की चीज़ें आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है। अब आ जाता है क्रूशल पार्ट जो बच्चे मिस करते हैं, नाउ राइट ऑन द अदर पार्ट। सेकेंड बात इसमें ये है कि ऑन द अदर हैंड बहुत सारे और रीजंस हैं, मैं इसकी टर्न यूँ लेता, हाउ एवर देर आर मैनी अदर रीजन एज वेल, और फिर मैं लिखना शुरू करता कि उसके अंदर आ जाएगा ब्रिटिश के पास अच्छे बेटर डिसिप्लिन सोल्जर्स थे, बेटर वेपन्स थे, ज़्यादा पैसा था, दे कुड इन्वेस्ट इन इट, उनकी आर्मी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड थी उस पॉइंट पे, उनको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आती थी। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे उनको एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन का मतलब ये नहीं कि चार पेज छापने, एक्सप्लेन इन सेंस कि आपकी बात क्लियर हो जाए एग्जामिनर को। अब आ गया कंक्लूजन। जिस तरह आपने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया लेकिन आपका कंपैक्ट कंसाइज लेकिन प्रिसाइज इंट्रोडक्शन था, उस तरह ही अब हमारा जो कंक्लूजन आएगा सिंपल एक लाइन कंक्लूजन। मैं उसको हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह करता कि इंडियन यूनिटी लैक ऑफ इंडियन यूनिटी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, हाउ एवर एज द आंसर शोज देर आर मेनी अदर रीजन दैट कंबाइंडली और कलेक्टिवली लेड टू द इंडियन डिफीट इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। छोटा इंट्रोडक्शन, छोटा कंक्लूजन, बात पूरी, सारे पॉइंट्स आ गए, दैट इज मोर देन अनफ। कितना लिखना है, या मैंने अपने एग्जाम में 1.5 पेज का भी 14 मार्क्स का आंसर लिखा था। खिलाफत मूवमेंट का क्वेश्चन आया था कि उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस बताने थे, इस तरह कोई क्वेश्चन था, मुझे सही याद नहीं, या तो कॉन्सिक्वेंसेस पे था या रीजंस पे था। और दूसरा क्वेश्चन जो आया था मॉडल मिटो रिफॉर्म से रिलेटेड, वो मैंने 3.5 पेज का लिखा था। तो दैट डिपेंड्स ऑन आपको क्वेश्चन कितना कम्पैक्टली आता है, आप उसको कम अल्फाज में कितना अच्छा बयान कर सकते हो। जितना कम लिखोगे, कम्पैक्ट तरीके से बेहतर बात करोगे उतना अच्छा है। ज़्यादा लिख दो कोई इशू नहीं, कम लफ्ज़ कम लिख दो, बात पूरी कर दो, आपकी बात कन्वे होनी ज़रूरी है। वही रूल यहाँ अप्लाई होता है कि अगर टाइम कम है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के बजाय ज़्यादा पॉइंट्स डालने की कोशिश करो, ज़्यादा आपके आप एग्जामिनर को ज़्यादा बातें बता सको कि आपको पता है, उनको एक्सप्लेन करना इतना ज़रूरी नहीं होता उस पॉइंट पे। अगर बहुत ही कम टाइम ले जाए कंक्लूजन ना लिखो, बहुत ही कम टाइम ले जाए तो बेशक इंट्रोडक्शन ना लिखो, लेकिन आपने पॉइंट ज़रूर कन्वे करने हैं। ये हो गया आपके क्वेश्चंस की डिवीजन। अच्छा, अब आ जाता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, और वो ये है कि हमने पढ़ना क्या है, इसके लिए हम क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। देखो, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि सेक्शन 1 और 2 को फोकस करो। सेक्शन 1 हो गया हमारा ये लैंग्वेजेस वाला, सेक्शन 2 हो गया पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाला। रीज़न क्या है, सेक्शन 3 जो है उसका आखिरी चैप्टर राउंड अबाउट 27 से 28 पेजेस का है, 30 या 35 पेज का है। सेक्शन 1 पूरा मिला के, पूरे सेक्शन 1 के अगर आप पेज गिन लो बैठ के, 25 से 27 पेज बनते हैं। एक तरफ आपने 25 से 27 पेज याद करने हैं, आपका पूरा एक कंपलसरी क्वेश्चन अगर आ गया उसमें से, और एक वॉलंटरी क्वेश्चन तो पक्का तैयार हो गया उसमें से। एक ये कि आपने सिर्फ एक चैप्टर के ऊपर आपने 25 से 30 पेज याद करने,
बहुत मुश्किल होता है. सेक्शन वन इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सेक्शन, बल्कि मैं कहूँगा द ईजीएस्ट सेक्शन इन द पेपर. सेक्शन वन जरूर तैयार करो, उसको याद करो, उसमें आपको तमाम डेट्स वगैरह याद हो. इतनी मुश्किल नहीं है. अगर देखो मुझे आज तकरीबन 5 से 6 साल हो गए, मुझे अभी तक डेट्स याद हैं. 1656 शाहजहां फेल सीरियसली इल, ही दिस प्रिवेंटेड अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर द एम्परर बिकॉज ही हैड 4 सन्स. इससे लेके 1657 फिर 1658 तमाम डेट्स याद हैं. एक बार याद कर ली नहीं भूलेंगे. इसी तरह जो आपका सेक्शन टू है उसमें डेट्स याद हैं, लेकिन यार वो ना एक स्टोरी की तरह चल रहा है. उसमें डेट्स याद करनी मुश्किल नहीं है, वही बात है. एक बार याद होगी आपको मुश्किल नहीं होगी. जैसे सॉल्ट मार्च आपकी राउंड टेबल 1932 अलाहाबाद एड्रेस 1930, उसके बाद आपका आगे चलता जाएगा. यानी आपको डेट्स जो हैं वो पीरियडिकली याद हो जाएंगी. और जो उसमें वो वाला सेक्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट वाला चैप्टर है, वहाँ तो बिल्कुल यू सेटिंग डेट्स चल रही है. 1944 में उनकी मीटिंग्स हो गई, 1945 में वेबल कॉन्फ्रेंस हो गई. तो आपके लिए याद करना आसान है और इंतहाई आसान हो जाएगा. एक बार याद कर लोगे दोबारा रिपीट करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. सो सेक्शन वन एंड सेक्शन टू, इनको हमने फोकस करना है फॉर द वॉलंटरी क्वेश्चन. अगर वॉलंटरी क्वेश्चन में जो एक जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी इनमें से आ गया, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इनमें से आने ही आने, एक उसमें से और एक उसमें से, जो हमने अटेम्प्ट करना है. अब रह गया कंपल्सरी क्वेश्चन. कंपल्सरी क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट इंटरप्रिटेशन, 3rd पार्ट और 4th पार्ट के लिए. जो 4th पार्ट है 10 मार्क्स वाला, वैसे ही अटैम्प्ट होगा जैसे 14 मार्क्स का अटैम्प्ट होता है. अब उनकी तैयारी किस तरह करनी है? सिंपल सी बात है, लास्ट सेक्शन को आप 3 से 4-5 दफ़ा पढ़ लो, आपको मेन पॉइंट जहन में रह जाएंगे. उसका आपको रट्टा मारने की या उसका आपको बाकी सेक्शन ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने लास्ट सेक्शन ज़िंदगी में आज तक कभी याद नहीं किया. मेरे पेपर में कंपलसरी क्वेश्चन भी लास्ट सेक्शन में से आया था, जिसमें से मेरी डिस्टिंक्शन आई है. तो मैं आपको कंपल बता सकता हूँ कि इफ़ यू रीड इट अ फ्यू टाइम्स, और लेट्स से लाइक इफ़ हम अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप 3-4 दफ़ा ज़्यादा पढ़ लो. लेकिन अगर आपने उसको रीड किया हुआ है, यू कैन अटेम्प्ट दैट कंपलसरी क्वेश्चन ईजिली. आपने उसको हवा नहीं बनाना अपने जहन पे. और उसकी जब आपका कंपलसरी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, वॉलंटरी क्वेश्चन का मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि हमारे लिए वो करना आसान हो जाएगा. हम जब आगे अगली वीडियोस बनाएंगे तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. हमारा फोकस इस चीज़ पर रहेगा कि किस तरह हमें हर सेक्शन को बेहतर तरीके से तैयार करना है, उनकी डेट्स को कैसे याद करना है. तो ये हमारा नेक्स्ट फोकस है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके ऊपर ये तमाम हम तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह. आपने हमारे एजुकेटर चैनल के कोर्सेज बाय करने हैं, क्योंकि उससे हम लोग फंड्स जनरेट कर रहे हैं हमारे स्कूल के लिए. और वो स्कूल इंशाल्लाह एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट होगा पाकिस्तान में. अभी इस टाइम पे तो आपको, अगर आप 1st अगस्त 2020 से पहले वीडियो देख लें, तो आपके लिए इस वक्त वो कोर्सेज फ्री हैं. आप प्लीज़ उनको रजिस्टर करें. बाकी बेस्ट ऑफ लक. कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर सेंड किया करें, कि मेरा कोशिश रहती है कि मैं उनको अपनी वीडियोज़ में इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ. सजेशन दें, लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ ब्लेस्ड डे.